करने के लिए मेहनत के बगैर वो आपको नहीं मिल सकती। आपको अल्फाजों में बहुत सारे बड़ों से सुना भी होगा आप लोगों ने, और मेहनत चाहे मुसलमान हो ना हो, काला हो गोरा हो, मेहनत का वो ऊपर वाला सबको देता है। ऐसे ही है जी, सबको देता है ना मेहनत। जिस चीज की आप मेहनत करते हो अल्लाह ताला उस चीज का फल देता है आप लोगों को। तो मेहनत करनी है ईमानदारी के साथ, ईमानदारी अपने साथ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ईमानदारी अपने साथ, अपने अंदर वाला जो जमीर है ना उसके साथ ईमानदारी करनी है, उसने ईमानदारी करनी है। क्योंकि ऊपर वाला जो जिस्म है अल्लाह ने इसको नहीं लेना, जो आपकी रूह है अंदर, जो असल में आप है। शाहिद अफरीदी बाहर से कैसा है वो तो आपको नजर आ रहा है, शाहिद अफरीदी अंदर कैसा है ये आपको नहीं पता, ये सिर्फ बनाने वाले को पता है। और फैसले किस पे होंगे? अंदर वाले शाहिद अफरीदी पे फैसले होंगे। अपनी नीयत को साफ रखो। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला उल्टा वो आपके लिए अच्छा करता है। ये निजाम है ऊपर वाले का। ईमानदारी के साथ क्रिकेट खेलो, मेहनत करो, ठीक है ना। आपके पास फैसिलिटी है, पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि शकील भाई ने आप लोगों को ये 3 नेट्स दिए हैं। पिच भी अच्छा था, और इस पे इसको यूटिलाइज करो, वक्त ना जाया करो। बस एक दफा वक्त निकल गया हाथ से ना, फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। वक्त कभी जाया ना होने देना, ठीक है। इंशाल्लाह थैंक यू, खुश रहो सारे। सारी उम्र आपकी डायमंड साहब ने खेले सारी उम्र। और मेरी एक बार याद रखना, जहाँ शायद होगा ना, मेरे एक फूल मेरा इस तरह पाकिस्तान के लड़के के साथ एक, और ये और मेरिट पे, और मेरिट पे, ये नहीं मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज करके शायद भाई भी है और पाकिस्तान का स्टार भी है, इसलिए अभी क्रिकेट से और ऊपर जाना है। अल्लाह ताला इसको लेके जाएगा और सब इंशाल्लाह ताला और तरक्की करेगा। अब क्रिकेट की दो चार बातें, टेक्निकल कोई सवाल करना है तो कर सकते हो, टेक्निकल करना है वो पूछ लो शायद से, फिर दोबारा मिलना जरा मुश्किल होता है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ओपिनियन है।